मधुबनी में राजपूतों की हत्या से हड़कंप, मछली विवाद बना वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई में 5 की मौत। होली का दिन था, लोग रंग गुलाल संग खुशी से होली का त्योहार मना रहे थे, सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट। जिसने मेहमतपुर की खुशनुमा फिजा को मातम में तब्दील कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से हर्राया मेहमतपुर गांव देखते ही देखते छावनी में तब्दील हो गया। आदमी भी अब मामूली से विवाद पर गोली बंदूक निकाल लेता है। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य बिहार से आई तस्वीरें खुद यही बयां कर रही है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, इन घायलों को। इसकी वजह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। विवाद था मात्र तालाब में मछली मारने को लेकर, लेकिन इस विवाद ने वर्चस्व की लड़ाई का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते इस लड़ाई ने 5 की जान ले ली, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं जब इस मामले पर प्रशासन से सवाल तलब किया गया तो उन्होंने भी यही बताया कि ये पूरा विवाद मछली मारने को लेकर हुआ था। एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर दिया। पुलिस ने 35 नामजद और एक दर्जन से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें पुलिस ने 8 को गिरफ्तार किया है। कल महमदपुर गांव में एक वारदात हुई जो कि दुखद है, काफी दुखद है। ऐसा वारदात से काफी संवेदन पुलिस आहत भी हुई है और घटनाकारी किया गया अपराधी द्वारा उनके हमारे राम नारायण सिंह जी हैं मोहम्मदपुर के, उनके बयान पर 35 आदमी नामजद और 10-12 अज्ञात के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। मंत्री ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। मधुबनी हत्याकांड की वजह पुलिस का निकम्मापन। इस हत्याकांड के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। एक और सत्ता पक्ष पुलिस को इस घटना का जिम्मेदार मान रही है तो विपक्ष इसे सत्ता संरक्षित घटना बता रही है। नरसंहार को लेकर राज्य सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि इस नरसंहार के पीछे जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी कहा है कि पुलिस के निकम्मेपन के चलते ये घटना हुई है, इसीलिए पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटना घटी है काफी दर्दनाक और दुखद है और हम लोग इस घटना को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि अविलंब कार्रवाई हो और कठोर से कठोर सजा मिले जो लोग इस तरह का घटना किया है, निंदनीय घटना है, और जो भी है इसमें इन्वॉल्व लोग कोई नहीं बचेगा। ये हमारा प्रयास रहेगा, उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे और सारे दोषी को जेल के अंदर भेजेंगे। ये बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है और हद तो तब हो गई जब आज एक ही परिवार के लोगों को, 4-4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया घर में घुस करके। हम लोग लगातार, हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक आपराधिक घटनाओं को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सुशासन बाबू चुप हैं। अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधियों के कोहराम से बिहार की जनता कराह रही है। ये जंगल राज नहीं, ये महाजंगल राज है। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है एक जाति के लोगों को इस तरह से बेरहमी से हत्या करना, राजपूत जाति के लोगों को इस तरह से बेरहमी से हत्या करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रशासन के लिए भी ये है बहुत चुनौतीपूर्ण है। इतना जघन्य अपराध इस तरह का बिहार में, ये तो नरसंहार टाइप का हो गया, इस तरह का होता नहीं था बिहार में। लंबे समय से ये सब नहीं हो रहा था, लेकिन फिर इस तरह की शुरुआत जो हुई है ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। ये इसमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो इस तरह का काम किया है, इस तरह की हत्या किया है, उस हत्यारों को तुरंत
उसको ये करना चाहिए, फास्ट ट्रैक से उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बहरहाल राज्य में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि अपराधियों को कानून का डर शून्य बराबर है। ऐसे में सुशासन बाबू लाख दावे कर ले कानून राज की, लेकिन असलियत तो यही है कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है।